सीएम ने नौकरी नहीं हर घर पहुंचाया नशा, कहा गौतम अरोड़ा ने। भाजपा युवा मोर्चा सिविल लाइन मंडल का हुआ विस्तार। आज भाजपा युवा मोर्चा सिविल लाइन मंडल के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। इस मौके पर युवा मोर्चा शहरी के अध्यक्ष गौतम अरोड़ा ने कहा कि हर घर में नौकरी देने का वादा करने वाले चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौकरी तो नहीं लेकिन हर घर में नशा जरूर पहुंचा दिया है। सिविल लाइन मंडल के नियुक्ति समारोह में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दिवांशु घई विशेष रूप से पहुंचे। उनके साथ जिला भाजपा शहरी के अध्यक्ष सुरेश महाजन भी उपस्थित थे। पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान सुरेश महाजन जी के साडे प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा के दिपांशु जी के दिशा निर्देश अनुसार असी कुछ देर पहला अपने भी मंडल प्रधान के भी प्रभारी अनाउंस किए। अज उसकी गली च विस्तार करते हुए असी अज मंडल की टीम अनाउंस करने की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत सिविल लाइन मंडल तो हुई है। सो साडे सिविल लाइन मंडल का इस कार्यक्रम साडे प्रधान मयंक कपूर जी की अध्यक्षता से होया है, जो कि बहुत घट समय उन्होंने ये कार्यक्रम बड़ा एक सफल कार्यक्रम किया। सो बधाई के पात्र ने जिहड़े भी अज महामंत्री सिविल लाइन मंडल के पदाधिकारी अनाउंस हुए, चाहे महामंत्री ने उपाध्यक्ष ने सचिव ने, वो सारे बधाई देना हाँ। तो उन्होंने एक सारे युवाओं ने एक मैसेज देना चाहना कि 2017 असी युवाओं ने एक गलती की सी, जो कि असी कैप्टन साहब के झूठे लुभावने वादे जाके एक भ्रष्टाचार की झूठी सरकार बनाई सी, क्योंकि साडे कैप्टन साहब जिहड़े भी साडे सीएम ने उन्होंने पवित्र गुटका साहब से हाथ रख के सहुं खाधी सी कि असी 4 हफ्ते नशा खत्म कर देंगे, घर घर नौकरी देवे, बेरोजगार भत्ता देवे। उन्होंने घर घर नशा करता। सो इन्होंने झूठ लुभावने वादे जिहड़े यूथ नूं कीते, सारिआं नूं इक्को मैसेज है कि इस 2022 दे इलैक्शनां 'च असीं इन्हां दे झूठे वादे 'च ना आईए, तो आने वाले समय 'च भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाईए तो जिस विच साडे यूथ का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि सब तो ज़्यादा जो नवा वोटर बनता है 18 साल तो बाद वो यूथ ही बनता है, तो यूथ का एक अहम रोल रहिंदा है सरकारां बनाउण 'च सरकारां ढाण 'च। तो सारे युवाओं नूं इक्को मैसेज देवांगा कि आने वाले समय 'च जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं, उस तरह ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को इतने मौका दिया जाए, सीएम बनाया जाए, ताकि युवाओं वास्ते रोजगार आए, घर घर नौकरी आए, घर घर जाए फोन देने की गल की कैप्टन साहब ने, भी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री के नाते आज बात जिला अमृतसर में आना हुआ और युवा मोर्चा का सिविल लाइन मंडल का विस्तार हुआ, अध्यक्ष मनोनीत करना और उनकी टीम बनाई गई। मैं सभी युवा मोर्चा के साथियों से ये बेनती कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पूरे जिला अमृतसर में घर घर तक लेके जाएं और भारतीय जनता पार्टी का अमृतसर में झंडा बुलंद करें। जय हिंद जय भारत। सर आज तक किसान थोड़े परेशान है, उनका आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी किसानों की हित की पार्टी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित के पार्टी हैं। कुछ उसमें जो दिक्कतें चल रही हैं वो हमारी सीनियर लीडरशिप लगातार किसानों के संपर्क में है और हमारी शेष नेतृत्व जल्द इसका हल निकाल के किसान ही भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार बनाएंगे, ये हमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी समय समय से पार्टी का विस्तार जड़ा वो करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक आयाम जड़ा है भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिसके अंदर नौजवान शक्ति जड़ा नौजवानों अपने जोड़न वास्ते उन्होंने एक जुम्मेवार नागरिक बनाने वास्ते शहरी बनाने वास्ते भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सब नू अपने नाल जोड़ती रहती है। अज उस कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की सिविल लाइन मंडल का अज गठन किया, उत्थे वाइस प्रधान जन सैकटरी सैकटरी दियुक्तियां करके सबनों जिम्मेवारियां दतिया ता कि आने वाले दिनों पार्टी का काम कर अपने आप में भी डिवेलप कर पार्टी भी डिवेलप कर और उन्हों का भविष्य जोड़ा है वो पार्टी के नाल उन्होंने होर ऊंचाइया लैके जाए।